ग्रीन्स तो आज टॉपिक है क्या राज छुपा रखे हैं किसी ने। ओके तो ये जो किसी ने है वो कोई भी हो सकता है एंड आई होप यू वुड नो दैट, आपको पता चल ही जाएगा। तो ये हैं रीडिंग इसके बारे में और हमने लिए हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट। मे बी हम रीडिंग फास्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन दैट। तो जिनको भी ये फास्ट रीडिंग देखना है यू कैन स्टार्ट वॉचिंग। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है आप उतना ले लीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं टैरो से, देखते हैं हमें टैरो से कौन से कार्ड्स मिलते हैं। गणेश जी और काल भैरव जी तो है ही। ठीक है, यस हमें मिले हैं टोटल 4 से 5 कार्ड। ठीक है, और हम देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं। चलो ये कार्ड भी मिल गए हैं, दैट्स इट। तो अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आ गई है। ठीक है, मैं बस पहले कार्ड से कर लेता हूँ अपने अपने स्थान पर विराजमान और अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड है वो एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कम्युनिकेशन का एक कार्ड है। तो कहीं ना कहीं राज है कि ये पर्सन बात करना चाहता है। ऐसा कोई भी पर्सन है जो आपका एक्स हो, जो आपका करीबी होने के बावजूद अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो बात ये कि ये पर्सन जो है वो लगातार चाहता है कि आपसे वो बातें करे, लेकिन किसी न किसी कारण से या मजबूरी से आपसे बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि शायद ये पर्सन किसी और से भी बात करना वाजिब समझे, चाहे वो उसका फ्रेंड हो या कुछ और हो। कहीं ना कहीं शुरुआत तो करना चाहता है या फिर शुरुआत कहीं ना कहीं हो गई है। और अगर ये पर्सन आपका बहुत ही करीबी है तो शायद जल्द ही आपका रिश्ता रोमांटिकली टर्न हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन एक्चुअली बहुत सारे ख्वाहिशें रखता है एंड अपनी हर इच्छा परिपूर्ति के लिए बहुत कोशिश करता है। अगर ये पर्सन सच में आपके बारे में सोचता है, फिर ये पर्सन अगर आपके साथ में है तो सच में आपको खुश रखने के लिए बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन आपको कभी ये ध्यान में नहीं लाना चाहता कि आपके लिए कितना कुछ करना चाहता है। ठीक है, मे भी आपको लगता होगा कि ये तो बस कोइंसिडेंस, ऐसा कोई इंसिडेंस नहीं होता, ये हर चीज़ प्री प्लान करता था कि आपको वो सारी खुशियाँ मिले जो इन्होंने कभी चाही थी। तो जो कार्ड है वो है द डेविल, वो कार्ड्स बिल्कुल वैसे आ रहे हैं, डेविल की कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ पे आ चुका है। भाई देखो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एक्चुअली आपकी ख्वाहिशों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, अब डेविल हम इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज देखो जब हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी होती तो हम कहते हैं कि भाई वी आर लाइक इन हेवन। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आपको करना चाहते हैं, चाहे फिर वो प्यार हो, आपका पैशन हो या फिर आपकी कोई भी ख्वाहिश हो, ये झट से पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक लाइक तो बनता है इस पर्सन के लिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि भाई ये आपकी जो सारी परेशानियां हैं वो खुद लेके घूमता है या फिर उसके ऊपर खुद कहीं ना कहीं सोच विचार चलता रहता है। ठीक है, मतलब आपको ये बताने ही नहीं देता कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि कोई आपको तकलीफ दे रहा है तो आपसे पहले वही जाके उस पर्सन से डील कर देंगे या फिर जो भी आपका इशू है वो खुद सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन आपको कभी सामने से नहीं कहेंगे कि भाई मैंने आपके लिए कुछ किया है। तो ये उनका एक प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है एक 9 ऑफ सोर्ड्स, एज यू कैन सी। इससे जो हमें पता चलता है वो ये है कि भाई आपके लिए हर वक्त ये तैयार रहते हैं। अगर आपका मन हो रात के वक्त भी इनसे बात करने का, फिर चाहे इनके ऊपर आसमान भी गिर गया हो, ये आपसे बात ज़रूर करेंगे। बहुत ही हटी किस्म का ये इंसान है, लेकिन आपके लिए जी तोड़ मेहनत करने के लिए भी रेडी रहता है। वी गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर। भाई इसके हिसाब से आपके खुशी के लिए, आपकी ख्वाहिश के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है, बिकॉज आप इनके दिल के बहुत करीब हो। ठीक है, हालांकि ये बस आपके एक फ्रेंड भी हो सकते हैं, फिर मोर देन दैट ये आपके लवर भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी के लिए ये कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद इन्होंने बताया होगा कि ये आपके बारे में इतना कुछ फील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो द हर्मिट, यानी कि भाई वर्गो हमेशा आपके लिए सजग रहते हैं। जहाँ भी दिखे कि आप गलत राह पे जा रहे हैं आपको वहाँ से खींच लेते हैं। ठीक है, ये जो रोल प्ले है, ये रोल प्ले कोई भी कर रहा है, मे बी आपके फैमिली वाले, आपके ब्रदर सिस्टर या फिर आपके अच्छे फ्रेंड या फिर इनफैक्ट योर लवर हो। जैसे कि मान लो आपको कहीं पे पब जाना है या फिर कहीं पे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो ये पर्सन आपके कान खींच लेगा, कहीं अभी गलत कर रहे हैं आप, वो गलती मत करो। तो हाँ, गलत करने से पहले ही आपको रोक देंगे एंड सही जगह पिलाने का काम ये हमेशा करते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग दी टैरो। अब देखते हैं और क्या क्या है, यू नो राज देखते हैं। यहाँ पे कुछ राज तो पता चल गए कि वो क्या कर रहे हैं। अब देखते हैं गणेश जी और काल भैरव जी में क्या बताते हैं। वाह, 4 कार्ड आ गए और ये 2-3 कार्ड आ गए और ये फाइनल कार्ड। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स आ गए लेकिन हम इनको चुनेंगे द वे दे आर।
एक एक करके कार्ड मैं यहाँ पे रखता हूँ। वी विल डू द फास्ट रीडिंग ओवर हियर। देखो पहला जो कार्ड है वो है आई एम टोटली ओवर थिंकिंग दिस। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। इफ़ यू नो अबाउट दिस वन, यू नो आपको शायद पता होगा कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन इनके हिसाब से आप ही ज़्यादा सोचे मत, ये आपके लिए बहुत कोशिशें करते रहते हैं। ठीक है, ये बात इनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आपको दिखती रहती है। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है आई एम गोना गेट यू दिस टाइम। ठीक है, आपको पाने की हमेशा कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही सही और सीधे तरीके से, कभी भी आपको प्रेशराइज नहीं करते। हालांकि ये शायद ही उन्होंने अपना दिल का राज़ों के सामने कभी खोला होगा। जो कार्ड है ओ माय गॉड इज दिस सी मॉन्स्टर फॉर रियल और डंबफाउंडेड एन्चेंटेड इंट्यूशन। आपके बारे में हमेशा इंट्यूशन रहता है, यू नो आपकी ज़िंदगी में कुछ हो उसके पहले ही इनको अंदाज़ा हो जाता है और आपके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे आप जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छाई के लिए वो ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है स्टॉप मी इफ़ यू कैन स्ट्रॉन्ग बोल्ड ब्रेव। यस, आप जहाँ पे जा रहे हो उन सारी चीज़ों के बारे में पता रहता है। एंड सेकेंडली आपके साथ चलना इनको काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी अच्छा महसूस करता है कि अगर आप दोनों साथ में हो और आपके लिए कुछ भी करने का मौका अगर इनको मिले तो ये ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट इज यू आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग। अगर आप कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हो या फिर तो यू नो आपको फटकार लगाना ये उनका परम काम है। आपको लगता है कि ये तो यू ही उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, ये ध्यान लगा के ऐसा करते हैं ताकि आपसे कभी भी कोई भी गलती ना हो पाए। कार्ड वो है नॉट वर्थ इट। ठीक है, अनस्टेबल वेस्टेड, जो भी आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ के बारे में पहले ही पता लगाना ये उनकी एक और बात है। नेक्स्ट इज 41, बेटर बी कॉशियस दैन सॉरी। ठीक है, गलती करने से पहले अगर गलती का अंदाज़ा हो जाए तो क्या बात है। ठीक है, तो अगर आप कोई गलती करने जा रहे हो तो उसके पहले ही सारा अंदाज़ा वो लगा देते हैं और किसी ना किसी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं, शायद किसी फ्रेंड के थ्रू। नेक्स्ट इज सो यू थिंक आई एम फनी। ओके, फाउंड सिली फुलिश, आपके लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। यू कुड फील भाई इन्होंने ऐसा किया आपको हंसाने के लिए। यस, ये बहुत करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा इसके लिए उन्होंने कितनी सारी मेहनत की है। ठीक है, अ लैक विद इन इज रिफ्लेक्टेड एज लैक आउटसाइड, इन्फेरियर, लैकिंग, एम्प्टी। अगर आप कहीं पर भी गलत कर रहे हो, कहीं पर भी आपको लग रहा है कि भाई मुझमें कोई कमी है, तो वो चीज़ पहले से ही दूर करते हो ताकि वो कभी भी आपके सामने ना आए, फिर कोई भी पर्सन आपको आपके सामने आप गलत हो या फिर आप में ये कमी है ये ना कहे। एक कार्ड है वो है आई मिस यू लॉन्गिंग डिज़ायरिंग, बहुत मिस करते हैं आपको, लेकिन कहीं भी आपको बताते नहीं हैं, ये चीज़ दिल में ही रखते हैं एंड शायद ही किसी को ये चीज़ें बताते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गणेश जी का धनुष और कौन सी कार्ड हमें दिखाते हैं। चलो दो कार्ड आ गए, थर्ड कार्ड आ गए और एक दो कार्ड लेते हैं। चलो ये दो तीन कार्ड आ गए। ठीक है, मैं इसको रखता हूँ पैक करके यहाँ पे और अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट विद दी कार्ड्स। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, इसका मतलब है कि आई इन्वाइट पीस विद इन माई सेल्फ, आई रिपल दिस आउटवर्ड्स। ठीक है, ये हमेशा ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं एंड वही बात आपको दिखे यही वो कोशिश करते हैं। हालांकि दिल में चाहे समुंदर भी उफमड़ आया हो लेकिन ये आपको बताते नहीं है, तो आपकी खुशी के लिए खुद को भी सरेंडर कर देते हैं। सेकेंड इज एज यू कैन सी द हॉक आई, एवरीडे आई फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जानबूझकर अपना दिन वो चुनते हैं। ठीक है, ये चाहे तो नखरे दिखा सकते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं यस इट्स अ प्लस साइन। और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है कि आपको अंदाज़ा नहीं लगाने देता कि इसके ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई थिंक मून गॉड इज ना, आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विद लव। ठीक है, हमेशा इनकी आँखों में आपको प्यार ही दिखेगा, हालांकि अंदर अंगारे बरस रहे होते हैं लेकिन सिर्फ आपके लिए खुद को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन, जो कि भाई आई एम ऑनेस्ट विद माई सेल्फ एंड अदर्स। ठीक है, हमेशा ऑनेस्ट रखना ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत लोग, इनफैक्ट 90% से भी ज़्यादा लोग फेल होते हैं, लेकिन ये पर्सन अगर एक कर रहा है तो उसमें बहुत बड़ी बात है। या क्या मून गॉड टुडे। ठीक है, आई चूज़ टू टेक अ हार्ड पर्सपेक्टिव एंड वाइडन माई व्यूज़। ये आने वाला पल देखते हैं, फ्यूचर में फोकस करते रहते हैं। हालांकि शायद ही किसी ने बताया होगा कि आई एम फ्यूचरिस्टिक, लेकिन हाँ अगर वो आपका साथ चाहते हैं तो आपके लिए कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। जो फाइनल कार्ड है वो है ये आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। ज़िंदगी में खुशियाँ पाने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। शायद दिखाते होंगे ये तो मेरे लिए ईजी है, लेकिन ईजी नहीं होता, लेकिन सब कुछ ईजी करने के लिए बहुत जी जान से कोशिश करते हैं और आपके चेहरे पर खुशी आ जाए ये उनकी ख्वाहिश होती है। तो रेडिंग आई होप इट विल।